الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، پچھلے جمعہ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی میں نے کیا تھا اور یہ بات بھی بتلائی تھی پچھلے جمعہ کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جگہ جگہ انصاف کی ترازوئیں رکھی جائیں گی جس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، اور پچھلے جمعہ کو میں نے یہ تفصیل بتلائی تھی کہ اعمال تولے جائیں گے، گینے نہیں جائیں گے، اعمال گینے نہیں جائیں گے، کتنی نمازیں پڑھی ہیں یہ گنا نہیں جائے گا، کتنے روزے رکھے ہیں اس کی گنتی نہیں ہوگی، بلکہ وزن ہو، نمازوں کا وزن ہوگا، روزوں کا وزن ہوگا، حج کا وزن ہوگا، عمرے کا وزن ہوگا، ہر نیکی اور ہر طاعت اور ہر نیک عمل کا وزن ہوگا، اور صرف نیک اعمال ہی کا وزن نہیں ہوگا، اچھے اعمال بھی تولے جائیں گے، برے اعمال بھی تولے جائیں گے. اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں، اچھے اور برے. اعمال کا وزن ہوگا، والوزن یومئذ الحق، قرآن کریم کی آیت ہے، والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن اعمال کا تلنا ایک سچی حقیقت ہے. اعمال تولے جائیں گے، اچھے اعمال بھی تولے جائیں گے، برے اعمال بھی تولے جائیں گے. اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سب کے اعمال یکساں درجے کے نہیں ہوتے. دو آدمیوں نے نماز پڑھی، لیکن دونوں آدمیوں کی نماز یکساں درجے کی نہیں ہوئی. اگر سب کے اعمال یکساں درجے کے ہوتے تو پھر تولنے کی کیا ضرورت ہے، گن لیے جاتے. اگر سب کے اعمال یکساں درجے کے ہوتے تو پھر تولنے کی کیا ضرورت ہے، صرف گن لیے جاتے کہ کتنی نمازیں پڑھی ہیں، اس نے کتنی نمازیں پڑھی، اس نے کتنے روزے رکھے، اس نے کتنی حج کیے، اس نے کتنے عمرے کیے، اور اس کے جو ہے اس کو صرف گن لیا جاتا اور اس کو کیے گئے. لیکن نہیں، قیامت کے دن انصاف کی ترازو رکھی جائے گی اور ہر عمل انسان کا تولا جائے گا، اچھا عمل بھی تولا جائے گا اور برا عمل بھی تولا جائے گا، اور صرف اعمال نہیں تولے جائیں گے، ہم جو بولتے ہیں ہمارے بول بھی تولے جائیں گے، ہمارا عمل بھی تولا جائے گا،
नमाज एक अमल है, रोज़ा एक अमल है, ज़कात देना एक अमल है, हज करना एक अमल है, उम्रा करना एक अमल है, तिलावत करना एक अमल है, ये जो अमाल है ये अमाल तो तोले ही जाएंगे, अमाल के साथ साथ हम जो मुंह से बोलते हैं अच्छी बातें जो बोलते हैं वो भी तोली जाएंगी, और जो बुरी बातें हम मुंह से निकालते हैं और कभी बक देते हैं और समझिए कोई बुरी बात उसको भी तोला जाए। आमाल सिर्फ नहीं तोले जाएंगे, आमाल के साथ साथ अकवाल भी तोले जाएंगे और हमारे बोल भी और समझिए तोले जाएंगे, और सबके न आमाल यकसा होंगे और सबके न बोल यकसा होंगे, बल्कि बोल में भी तफावत होगा और आमाल में तफावत होगा, और जजा जो मिलेगी और सजा जो मिलेगी वजन के अतबार से मिलेगी। नमाज आपने पढ़ी, नमाज का बदला मिलेगा, जजा मिलेगी, लेकिन जितना वजन होगा उस वजन के अतबार से जो है जजा भी मिलेगी और उसी वजन के अतबार से सजा भी मिलेगी। मोहतरम बुजुर्ग, ये बात खूब अच्छी तरह जहन में रखनी चाहिए कि आमाल भी हल्के भारी होते हैं और बोल भी हल्के भारी होते हैं, अच्छे आमाल भी हल्के भारी होते हैं और बुरे आमाल भी हल्के भारी होते हैं। मैं दो मिसालें दूंगा, अच्छे आमाल की एक मिसाल दूंगा कि अच्छे आमाल भी हल्के भारी होते हैं, और एक मिसाल दूंगा बुरे आमाल की कि बुरे आमाल भी हल्के भारी होते हैं। दो मिसालों से मैं बात को समझाऊंगा। नंबर एक, अच्छे आमाल हल्के भारी होते हैं, उसकी मिसाल सुनिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा ने फतह मक्का से पहले अल्लाह के रास्ते में जो एक मुद जौ खर्च किए हैं, एक मुद को यूं समझ लीजिए सिर भर 500 ग्राम, मेरे सहाबा ने फतह मक्का से पहले अल्लाह के रास्ते में जो एक मुद जौ खर्च किए हैं उसका सवाब इतना होगा कि बाद में आने वाले लोग अगर ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करेंगे, सोना जौ नहीं, सोना खर्च करेंगे ओहद पहाड़ के बराबर भी, तो मेरे सहाबा के एक मुद जौ के सदके की बराबरी नहीं कर सकते। अब ये सदका एक अमल है, हम भी सदका करते हैं, सहाबा ने भी सदका किया है, ये एक अमल है, सदका करना अमल है, लेकिन सहाबा के अमल में कितना वजन है और सहाबा का अमल कितना भारी है और हमारा अमल अरसम के जो है कितना होता है कि हम ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दें तो उसका सवाब सहाबा के एक से जौ के सदके के बराबर आप समझे नहीं पहुंच सकता, इतना हल्का हमारा अमल, इतना हल्का सहाबा का अमल, इतना भारी। ये मिसाल हुई है समझे कि अमाल हल्के भारी होते हैं, एक सदका हम करते हैं एक सदका सहाबा ने किया, क्या हमारे सदका और सहाबा के सदका बराबर हो जाएंगे? नहीं, आप समझे जो है अमल हल्का भारी होता है, सहाबा के सदका नहायत वजनी और भारी और हमारे अरसम के सदफा नहायत खोखले और अरसम के कम वजन और हल्के अरसम के। नमाज को ले लीजिए, क्या हमारी नमाजें और सहाबा की नमाजें बराबर हो जाएंगी? क्या हमारी नमाजें और सहाबा की अरसम की नमाजें, दो रकात हमने पढ़ी और दो रकात सहाबा ने पढ़ी, क्या हमारी दो रकात और सहाबा की दो रकात बराबर हो जाएंगी? और समझिए, एक हदीस पाक सुने
और इसको हमेशा याद रखें यार, समझे जो है यह हदीस आमतौर पर बयान नहीं की जाती लोगों के सामने, इसलिए तवज्जो से सुने हदीस का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब नमाजी बंदे नमाज पढ़ कर के मस्जिद से निकलते हैं तो कोई अपनी नमाज का दसवां हिस्सा पढ़ करके निकलता है, नौ हिस्से जाए, दसवां हिस्सा पढ़ करके निकला, नौ हिस्से जाए। कोई आदमी नमाज पढ़ करके मस्जिद से निकलता है तो नवा हिस्सा पढ़ करके निकलता है, आठ हिस्से जाए। कोई आदमी मस्जिद से नमाज पढ़ करके निकलता है तो सातवां हिस्सा अपनी नमाज का सातवां हिस्सा पढ़ करके निकलता है, और समझिए छह हिस्से जाए। हदीस में फरमाया गया कोई आदमी मस्जिद से निकलता है इस हाल में कि पाव नमाज पढ़ करके निकलता है, तीन पाव जाए। कोई अगर समझिए एक सुलूस पढ़ करके निकलता है, दो सुलूस जाए। कोई निस्फ नमाज पढ़ करके निकलता है, निस्फ जाए। कोई दो सुलूस अगर समझिए पढ़ करके निकलता है, एक सुलूस जाए। ये हदीस से बात है अगर समझिए मोहतरम बुजुर्ग, आप सोचते होंगे कि एक ही सब में सब खड़े हैं, एक ही इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, हमें तिलावत भी नहीं करनी, इमाम साहब तिलावत भी करेंगे, हमें तो फकत सुभान रब्बियल अज़ीम और सुभान रब्बियल आला पढ़ना है, और ये जो है और सब एक ही मस्जिद में एक ही सब में एक साथ खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे हैं। फिर किसी ने अपनी नमाज का दसवां पढ़ा, किसी ने आला समझे जो है तीसरा पढ़ा, किसी ने चौथा पढ़ा, किसी ने आला समझे सातवां हिस्सा पढ़ा, और बाकी हिस्से जाए हो गए। ऐसा क्यों, फर्क क्यों नमाज नमाज में, मेरी नमाज में आला समझे दूसरे की नमाज में आला समझे जो है फर्क क्यों है आला समझे? इसकी वजह बतलाता हूँ जहन में, इसकी वजह है खुशू की कमी। सिर्फ नमाज मतलूब नहीं है, पिछले जुमा को मैंने बतलाया था कि खुशू वाली नमाज मतलूब है। बारी ताला कुरान करीम में फरमाते हैं पर अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो लोग आखिरत में कामयाब होंगे जो खुशू वाली नमाज पढ़ेंगे। अब ये खुशू अरबी का लफ्ज है, आप लोग खुशू को समझते नहीं कि क्या चीज है खुशू। उलमा तो समझते हैं, जो अहले इल्म है और ये जो वो तो समझते हैं कि खुशू क्या चीज है। मैं आपको समझाने के लिए, आवाम को समझाने के लिए मैं आसान लफ्जों में खुशू के बजाय दूसरा लफ्ज बोलता हूँ, आपकी भी समझ में आ जाएगा और समझिए। और वो ये है कि खुशू का तर्जमा आप कर लीजिए तवज्जो। नमाजी की नमाज की तरफ जितनी तवज्जो ज्यादा होगी उतनी नमाज भारी बनेगी, और जितनी तवज्जो नमाज की तरफ कम होगी उतनी नमाज हल्की होती जाएगी। कोई दसवां पढ़ करके, कोई असमझे नवा पढ़ करके, कोई असमझे आठवां हिस्सा पढ़ करके निकलता है, ये फर्क क्यों, ये तफावत असमझे क्यों? ये तफावत असमझे इस वजह से है कि नमाजी की तवज्जो असमझे जो है उसमें कमी आएगी। जितनी तवज्जो में कमी आएगी असमझे जो है उतना असमझे वजन कम होता जाएगा और उतनी नमाज हल्की होती जाएगी। असमझे हमारी नमाजों का हाल ये है, माफ करें अगर समझे जो है मैं अपने को सबसे पहले मुखातब करता हूँ और अपने को मुखातब करके कहता हूँ, हमारी नमाजों का हाल ये है कि हम इमाम के पीछे खड़े होते हैं और इमाम साहब से अगर कोई गलती हो जावे तो पूरी मस्जिद में कोई एक लुकमा देने वाला नहीं होता है। क्यों, कोई मस्जिद में हो तो लुकमा दे, कोई मस्जिद में हो तो लुकमा देवे, और किसी की तवज्जो नमाज की तरफ हो तो समझे जो है लुकमे देवे। हमारे नौजवान और समझे जो है, नौजवानों को मुखातब करता हूँ, वो
वो अरसू जी मोबाइल पे करके बैठे बैठे गेम खेलते रहते हैं, और अरसू जी जो है उसी गेम खेलते खेलते मस्जिद में जुमा की नमाज के लिए आए हैं, तो दिमाग घुसा हुआ है गेमों में। और जब दिमाग घुसा हुआ है गेमों में, तो इमाम साहब की कितनी रकात पड़ी, और अरसू जी जो है जोहर में किरात होनी चाहिए जहरन या नहीं होनी चाहिए, इमाम साहब ने जहरन किरात शुरू कर दी, फिर भी कोई पीछे से लुकमा नहीं देता है, और पीछे से कोई सुभान अल्लाह बोलता नहीं। आ रहा समझिए, कोई हो तो बोले मस्जिद में, आ रहा समझिए, इसलिए कि दिमाग जो है वो गेमों में घुसे हुए हैं। आ रहा समझिए, कुछ लोग हैं जो टीवी देख करके आते हैं प्रोग्राम, आ रहा समझिए, और मस्जिद में आकर के इमाम के पीछे खड़े हो गए, आ रहा समझिए, और जहन जो है वो ही आ रहा समझिए प्रोग्रामों में घुसा हुआ है। किसी का दिमाग किसी चीज में, किसी का जहन किसी चीज में, आ रहा समझिए जो है, और शैतान जोर लगाता है हमारी नमाज को खराब। नमाज से पहले कोई वसवसा नहीं आएगा, और जहां नमाज शुरू किया अल्लाहु अकबर तो एक वसाविस की रील शुरू होती है, और जहां सलाम फिरा सलाम अलैकुम तो कोई वसवसा नहीं आएगा। ये शैतान भी आ रहा समझे हमारी नमाज को खराब करना चाहता है। समझिए तो हमारी तवज्जो नमाज की तरफ होती नहीं। दसवां हिस्सा भी अगर हम पढ़ करके निकले तो गनीमत है, और समझिए कि नमाज का दसवां हिस्सा भी हो जावे तो गनीमत है, और समझिए हमारी नमाज का, इसलिए कि नमाज की तरफ तवज्जो है। और समझिए तो खुलासा बात का ये हुआ कि नमाजी की तवज्जो जितनी नमाज की तरफ बढ़ेगी उतना वजन और समझिए नमाज का बढ़ेगा, और उतना और समझिए अमल भारी बनेगा। एक हमारी नमाजें हैं और एक सहाबा की नमाजें हैं, जरा सोचें अरसमी के जो एक सहाबी के थोड़ा सा वक्त लूंगा अरसमी बात पर सुनिए। एक हमारी नमाजें हैं और एक सहाबा की अरसमी के नमाजें हैं। एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु को तीर लग गया। आपने पढ़ा है फजाइल आमाल में, अगर कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ, अरसमी के फजाइल आमाल वगैरह में यह हदीसें मौजूद हैं। एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु को एक जंग में तीर लग गया। अब उस अरसों में तीर को खींचने की कोशिश की तो शदीद दर्द हो रहा था और तकलीफ हो रही थी अरसों के जो है सहाबी को। उन सहाबी ने अरसों के लोगों से कहा कि देखो मैं एक तरकीब बतलाता हूँ, इस तीर को निकाल दीजिए, अभी तुम मत निकालो इस तीर को, इसलिए कि मुझे शदीद दर्द हो रहा है इसको खींचने की वजह से। मैं जब नमाज शुरू करूं तो अरसों के तुम तीर निकाल लेना। चुनाचे उन्होंने अरसों के नमाज शुरू की। ये कोई नया वाकया नहीं, आपने बारहा सुना होगा और हर एक ने सुना होगा। अरसों के जब उन्होंने नमाज शुरू की तो लोगों ने तीर अरसों की निकाल लिया। उनकी तवज्जो नमाज की तरफ थी, उनकी तवज्जो अरसों के तीर की तरफ और दर्द की तरफ। काश हमें जिंदगी में ऐसी एक नमाज नसीब हो जाए, ऐसी एक नमाज पढ़ना। और समझिए हमारा तो हाल ये है कि अगर मच्छर भी पैर में काट ले तो और समझिए हमारी नमाज का सारा खुशू और समझी जो है जाता रहता है, और समझिए एक पैर से दूसरे पैर को यूं करके और समझिए जो है वहाँ रगड़ते हैं, ये हमारी नमाज का हाल है कि एक मच्छर काट ले तो और समझिए नमाज की तरफ से तवज्जो हट जाती है। और एक वो सहाबा थे कि अगर तीर जिस मन से निकाल लिया जाए तो उनको एहसास तक नहीं होता था कितनी तवज्जो अल्लाह की तरफ और समझिए जो है नमाज की तरफ। तो कंप्लीट नमाज पढ़ करके निकलने वाले ऐसे हजरात हैं और समझिए जो है जिनकी तवज्जो इतनी और समझिए होगी उनकी नमाज कंप्लीट बनेगी। और समझिए जो बाहर हाल मैंने आपका वक्त और समझिए जो है जाहिर किया, लेकिन चूंकि मेरे पास एक दो हफ्ते रह गए हैं और समझिए और मुझे ये मजमून थोड़ा और समझिए समझाना है, अधूरा है ये मजमून और समझिए जो है, इसलिए और समझिए जो है मैं आज बात ख़त्म करता हूँ, पर ये कहकर के ख़त्म करता हूँ और समझिए इस सबक के साथ कि इस आयत करीमा से ये मालूम हुआ कि अच्छे से अच्छे आमाल करने की कोशिश करो, नमाजें पढ़ो ढंग की पढ़ो खुशू के साथ, जल्दी जल्दी मत करो असमझे मत पढ़ो, इत्मीनान से रुकू करो, इत्मीनान से सजदा करो, इत्मीनान से कौमा करो, इत्मीनान से जलसा करो, और जितना नमाज में असमझे तवज्जो हो सकती है, और उसका एक तरीका है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तरफ दिमाग लगा लें तो दिमाग दूसरी चीज की तरफ नहीं जाए। एक वक्त में दिमाग दो चीज़ों को नहीं सोच सकता,
आप जो पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अगर आप माना जानते हैं तो उसके माना में गौर करें और दिमाग को लगा दें, तो अभी दिमाग भटकेगा नहीं, और जब दिमाग को नहीं लगाओगे तो दिमाग का काम तो भटकना है, वो सोचना है और समझिए। बहरहाल अच्छी से अच्छा अमल करने की कोशिश करें और अच्छे से अच्छा बोल बोलने की कोशिश करें, इसलिए कि हमारे बोल भी तोले जाएंगे और हमारे आमाल भी कयामत के दिन तोले जाएंगे। मजीद बात आप समझे अगले जुमा को पूरा करूँगा।